नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला में सीआईए ने 5 गुना पैसा करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीआईए एक ने गुप्त सूचना पर रेड करते हुए 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 स्कॉर्पियो गाड़ी, नकली नोट के बंडल तैयार करने वाली डाई मशीन और 226 बंडल नोट बरामद किए हैं। अधिक जानकारी देते हुए एसपी अम्बाला जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि ये लोग 2 सड़का चौक से गुरुद्वारा साहिब के पास किराए के कमरे में ये धंधा चला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात सीआईए ने रेड कर गांव 2 सड़का निवासी मोहित, यमुनानगर के गांव मगहरपुर निवासी अजय, गांव गुंदियाना निवासी सुनील मनिंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है और कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आरोपियों के कब्जे से डाई मशीन, नोटों के बंडल और स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। ये गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ लोगों से असली करेंसी लेकर 5 गुना पैसे करने का लालच देकर पैसे हड़पते थे और जब पैसे लेने के लिए व्यक्ति वापस आते थे तो वे लोग नकली पुलिस बनकर उन पर कार्रवाई करने की बात करते थे। ये लोग बंडल में ऊपर और नीचे असली नोट लगाते थे और बीच में कागज के टुकड़े लगाकर पूरा बंडल बनाकर लोगों को देते थे। अम्बाला से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। एक पुलिस के पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक नकली नोट की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी करने का गैंग हमारे जिला में और आस पड़ोस के जिलों में सक्रिय है। उसी के ऊपर CIA 1 की टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिन्होंने इसके ऊपर आगे इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए जो गैंग था उसके साथ किसी के माध्यम से टाई अप करके और उनकी प्रेमिसेस के ऊपर रेड की, जिस दौरान 4 आरोपी वहां से उन्होंने गिरफ्तार किए, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। अजय निवासी मगरपुर थाना छप्पर जिला यमुनानगर का, और सुनील कुमार और महेंद्र कुमार ये गुंदियाना गांव का और गंदापुरा गांव का, जो कि छप्पर यमुनानगर के अंदर पड़ते हैं, और मोहित ये 2 सड़का थाना बुलाना जिला अम्बाला का रहने वाला। इन चारों को वहां मौके से अरेस्ट किया गया और साथ ही कुछ अराउंड 21 लाख और 10,000 रुपए के जो नकली नोट के पैकेट्स के नाम से इन्होंने तैयार कर रखे थे, जिसके ऊपर और नीचे असली नोट लगा के बीच में व्हाइट पेपर कटिंग्स लगा रखी थी, वो हमने रिकवर की। साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी रिकवर की और जो उनकी प्रेमिसेस थी उसको जब सर्च किया गया तो वहां से जो डाई और मशीनरी ये दिखा के लोगों से धोखाधड़ी करते थे वो सारी चीजें इनसे वहां से प्रेमिसेस से रिकवर की गई। इसमें जो आरोपी सुनील है इसके ऊपर पहले भी शहजादपुर के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर का और साहा के अंदर आर्म्स एक्ट का केस इसके ऊपर दर्ज है। इस पूरी घटना के ऊपर हमने 396 नंबर FIR 420 और 489D IPC के अंदर हमने दर्ज किया। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करके हमने 8 दिन का पुलिस रिमांड उनका लिया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर इनके जो और साथी हैं उनको भी पकड़ने में हम कामयाब होंगे। और इन्होंने जो लोगों से धोखाधड़ी की है इनसे उन लोगों की मैक्सिमम रिकवरी करवाई जाएगी। गाड़ी मैंने बताया आपको, एक गाड़ी स्कॉर्पियो रिकवर हुई है, हथियार नहीं रिकवर हुआ। 500 के नोटों के कुछ बंडल हैं और मैक्सिमम जो बंडल हैं वो 100 रुपए के नोटों के बंडल हैं और ये अक्सर अपने जो भी विक्टिम होता था उसको पैसे 2 गुना 3 गुना लग करने की आड़ में उसको फेंकावे में लाकर उससे पैसे मंगवाते थे कि आपके 5 के 25 कर देंगे, और जब वो मौके के ऊपर पैसे देने आता था और नकली नोट लेने आता था तो उसी टाइम इन्हीं के कुछ बंदे पुलिस की वर्दी के अंदर पुलिस की गाड़ी जैसी गाड़ी तैयार करवा के ये वहां पे आते थे और खुद फरार हो जाते थे और जो दूसरा विक्टिम था उसको भी डरा के वो वहां से भाग जाता था और ये पूरे के पूरे जो उसका पैसा था वो लेकर ये फरार हो जाता था। ये एग्जैक्ट जो पूरी डिटेल्स हैं हम अभी वेरीफाई करवा रहे हैं
जो अभी तक पता लगा कि ये किराए के ऊपर ले रखा था इन्होंने, और वो बाकी पूरी जो डिटेल्स होगी वो हम चेक करेंगे। और जो भी इन्होंने ये मटेरियल जो था ये कहाँ से प्रोक्योर किया, जो इसमें जिन्होंने भी इनको अपनी प्रेमिसेस दे रखी थी, क्योंकि यहाँ पे इनको काम करते हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, 15-20 दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे, इससे पहले अलग अलग जगहों पे इन्होंने पहले भी काम किया। वो सारी चीजें जो है इनके इनसे हम इंटरोगेशन के दौरान पूछताछ करेंगे पुलिस रिमांड में, और जो भी फैक्ट्स आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।